दीपावली को लेकर पूरे धनबाद कोलांचल में पिछले 4-5 दिनों से एक अलग चहल पहल देखने को मिल रही थी। अगर हम धनतेरस से एक दिन पहले की बात करें, धनतेरस की बात करें और दीपावली से एक दिन पहले की और दीपावली की, तो हर एक दिन बाजार गुलजार था। लाइटनिंग से अलग अलग स्टॉल्स दुकान लगे हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि दीपावली के अगले दिन लोग जो हैं आज बाज़ार में देखने को नहीं मिल रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं हीरापुर हटिया में और ये वही जगह है जहाँ पर पिछले 4-5 दिनों की अगर हम बात करें तो सड़कों पर चलने की जगह नहीं थी, लोग पैदल आना जाना नहीं कर पा रहे थे। बाइक और गाड़ियाँ तो काफ़ी दूर की बात है, कुछ दूर की अगर हम बात करें तो सड़कों पर लगातार कई बाइक जो है उनकी पार्किंग की हुई थी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें क्योंकि दीपावली कल थी, लोगों ने रात भर जाकर पूजा की है, घर की तैयारी की लाइटनिंग साज सज्जा में, और उसके बाद आज हम मौजूदा स्थिति देख सकते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग ही जिनको काफ़ी ज़रूरी काम है वही लोग अपने घर से निकल रहे हैं और बाज़ार में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वो जो बाज़ार में एक गुलजार देखने को मिल रही थी कि अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए थे, आप देखिए कि ये तमाम जगहों पर जो है अलग अलग स्टॉल्स लगे थे, कुछ में दिए बिक रहे थे, कुछ में गणेश जी और लक्ष्मी माँ की मूर्तियाँ बिक रही थी, कुछ में पूजा की सामग्री थी। इसके अलावा घर को डेकोरेट करने के लिए लाइटनिंग की अलग से दुकानें लगी हुई थी, भगवान की जो कपड़े हैं उनको लेकर अलग स्टॉल्स लगे हुए थे, तो छोटे बड़े रंगोली को लेकर कई जगह पर जो है वो नीचे बैठकर रंगोलियाँ बेची जा रही थी। तो कुल मिलाकर बाज़ार में दीपावली को लेकर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके अगले दिन जो है आज यहाँ पर जो है काफ़ी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वही लोग आज घर से बाहर निकल रहे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम है, अन्यथा आप देखिए कि चुनिंदा दुकानें ही खुली हुई हैं, बाकी दुकानें जो है वो बंद हैं। आपको बता दें कि दीपावली को लेकर लोग अपने घरों में शाम और रात में तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वो सिंह लग्न के वक्त अपने जो शॉप्स हैं उनमें पूजा करते हैं, सिंह लग्न जो कि रात में 12 बजे के बाद शुरू होता है। तो इस प्रकार से जो है कोलांचल धनबाद में हर वर्ष दीपावली को लेकर तैयारियां होती हैं, पूजे पाठ किए जाते हैं और उसके बाद जो है अगले दिन जो है लोग अपने घरों में आराम करना पसंद करते हैं, क्योंकि दीपावली को लेकर पिछले कई दिनों से साफ सफाई की गई होती है, लोग थके हुए होते हैं। तो कुल मिलाकर इस बार धनबाद में दीपावली को लेकर एक अच्छा बाज़ार देखने को मिला, धनतेरस को लेकर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है खरीदारी की है, रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। और फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।